हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पर लेक्चर नंबर होने वाला है 6। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है और जो न्यू सिलेबस की टेक्स्ट बुक है उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आ गए। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 6.3 में मेरे ख्याल से कुछ 4 to 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के अंदर 7 to 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा ट्राई करूँगा कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीडली सॉल्व करूँ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें कवर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छा क्या करना है अपने को, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, सो देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहते हैं, पहले dy और dx को शिफ्ट करो। तो dy dx को शिफ्ट किया तो 1 + y² / 1 + x² dx। dy और dx को सेपरेट किए, ये 1 + x² हम x के टर्म कंसिडर करेंगे तो यही पे रहने देंगे, 1 + y² y की टर्म कंसिडर करेंगे तो शिफ्ट करेंगे। अभी मल्टीप्लाइड में डिवाइड में आएगा, यानी dy / 1 + y² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dx / 1 + x². वेरिएबल सेपरेबल मेथड याद है सभी को, dx सेपरेट करते हैं, dy सेपरेट करते हैं, x की टर्म dx के तरफ, y की टर्म dy के तरफ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट। तो अब आपको सबको पता ही होगा 1/1 + y² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बोलो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन इनवर्स y, क्या होता है, टैन इनवर्स y, और ये क्या होता है, इसका होता है टैन इनवर्स x। ठीक है, टैन इनवर्स y इज इक्वल्स टू कितना, टैन इनवर्स x। ठीक है, ओके, तो मुझे कांस्टेंट लेना होगा, तो जैसे कि आपको पता है कांस्टेंट हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट टैन इनवर्स c ले रहा हूँ, यहाँ कांस्टेंट क्या लिया मैंने, टैन इनवर्स c लिया, इससे फ़ायदा होगा इसीलिए हमने लिया है। सो टैन इनवर्स y इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स x + c / 1 - x × c। अच्छा, दोनों तरफ से tan tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, x + c / 1 - x × c, अब x × c। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, तो बट हमें c ऐड करना होगा, जैसे 1/1 + y² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, प्लस c ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, प्लस c दोनों तरफ, सॉरी प्लस c ऐड कर लिया, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी करके। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया, log dy/dx इज इक्वल्स टू 2x + 3y। अब बात आती है कि मुझे तो dy और dx को सेपरेट करना है, लेकिन ये dy और dx के इसमें log में है, तो पहले मुझे ये सोचना होगा कि मैं log को कैसे हटाऊं। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा दूं, जैसे कि log x इज इक्वल्स टू, अगर मान लो t है, log x इज इक्वल्स टू अगर t है तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, सो log x इज इक्वल्स टू t और 1 यानी क्या होता है, log e होता है। सो log x इज इक्वल्स टू, पावर रूल से t गया ऊपर तो log e^t हो गया, दोनों तरफ से log log कैंसिल, यानी x इज इक्वल्स टू कितना, e^t। यानी कि अगर आपके पास log x इज इक्वल्स टू t है, अगर आपके पास log x इज इक्वल्स टू t है तो x इज इक्वल्स टू कितना होता है, e^t। यानी आप ऐसा सोच सकते हो कि log x इज इक्वल्स टू t है तो log को हटाने के लिए इसको e के पावर में जाना होगा, log अगर हटा तो ये e के पावर में चले जाएगा। तो यहाँ से अगर log हटा तो ये जाएगा e के पावर में, e^2x + 3y। ठीक है ना, ये कंसेप्ट देखो, log x इज इक्वल्स टू t है
तो हमने इसको सॉल्व करना चालू किया, देखो x इज इक्वल टू कितना मिला, e टू द पावर t। तो अपन याद कैसे रख सकते हैं, कैसे ध्यान में रखना है कि अगर log हटा तो ये कहा जाएगा e के पावर में जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ से काम करते हैं, dy वाई इज इक्वल टू ई टू, अच्छा इसको देख लो, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 3y ऐसे लिख सकते हैं, और ये ds जाएगा इधर, ठीक है। अब ये e टू द पावर 2x x की टर्म कहलाएगी, e टू द पावर 3y y की टर्म कहलाएगी, इसको शिफ्ट करेंगे। अब ये मल्टीप्लाइड में e टू द पावर 3y शिफ्ट करने पे डिवाइड में आएगा, तो e टू द पावर 3y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x dx। तो देखो dx dy सेपरेट हो गया, x की टर्म dx की तरफ चलेगी, y की टर्म dy की तरफ चलेगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अच्छा, अगर मैं इंटीग्रेट करने इसको ऊपर लेके आता हूँ, e टू द पावर माइनस 3y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। अच्छा, e टू द पावर माइनस 3y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e टू द पावर माइनस 3y अपॉन में आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x और अपॉन में आएगा 2 और प्लस c ले लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी, ओके ठीक है। तो ये तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम करते ये एक्चुअली माइनस यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, तो इस टर्म को अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, नहीं ई टू द पावर माइनस 3y अपॉन 3 प्लस ई टू द पावर 2y अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा, 2e टू द पावर माइनस 3y प्लस 3e टू द पावर 2y अपॉन में कितना आ जाएगा 6 प्लस में कितना आ गया c इज इक्वल टू 0। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1 है, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाइड किया तो ये कितना देगा, 2e टू द पावर माइनस 3y प्लस 6 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, सॉरी 3e टू द पावर 2y प्लस ये 6c के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 6c हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड में जो 6 आएगा वो शिफ्ट कर देंगे 0 हो जाएगा। सो ये फाइनली अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2e टू द पावर माइनस 3y प्लस 3e टू द पावर 2y प्लस 6c क्या है, कांस्टेंट है, 6c क्या है, कांस्टेंट, तो इसके जगह अपन एक और कांस्टेंट रख देते हैं और वही c ले लो, ठीक है ना। कांस्टेंट को हम लोग कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है करके, ठीक है ना। आप कांस्टेंट को हटा के कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बात तो ये है कि यही आपका फाइनल आंसर है, आप यहाँ पे स्टॉप हो गए तो भी चलेगा, पर थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। आई होप कि अभी आपको सेपरेटिंग वगैरह करते आ जाता होगा ना, बस बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स का फंडे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे dy और dx को सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ dy और dx को कैसे सेपरेट करेंगे, तो y मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो x dy by dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये dx डिवाइड में है तो ये कितना देगा, y dx इज इक्वल टू x dy। अच्छा देखो ना, बहुत से लोग गड़बड़ क्या कर देते ना, कहाँ गड़बड़ होती है देखो, अब वो सोचते हैं कि यहाँ y है ना तो मैं पहले dy को इधर लेके आता हूँ, तो कभी भी इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता ना, y डिवाइड में डी वाई, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप डी वाई और डी एक्स को सेपरेट आउट करो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वाई डी एक्स और ये हो गया एक्स डी वाई। अब x की टर्म डी एक्स की तरफ, y की टर्म डी वाई की तरफ, तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन x डी एक्स और ये आ जाएगा 1 अपॉन y डी वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते। अच्छा, आपको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई। अच्छा, मैंने आपको ना स्टार्टिंग के जब हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड करी थी तो मैंने वहाँ बताया था, जब भी आपको दोनों तरफ लॉग दिखाई दे, जब भी दोनों तरफ लॉग दिखाई दे वहाँ पे लॉग सी ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो, लॉग सी ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये कितना होता है, लॉग ए इंटू बी यानी वाई इंटू सी, दोनों तरफ से लॉग लॉग क्या हो जाएगा, कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना बचा, y इंटू सी, ठीक है, x इज इक्वल टू y इंटू सी, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ अपने को क्या मिल रही है, ये सब जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं अपने, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग चीज़ होती है, पता है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन, ओके।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थोड़ा सा फास्ट होगा ना, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो। ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है वीडियो लेक्चर में, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझे तो उस वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और फिर से समझने की कोशिश करो। ओके, चलो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, dx और dy को सेपरेट आउट करना है। तो ये dx, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस सिक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स dy हो गया। तो dx और dy सेपरेट हो गया। अब x की टर्म dx की तरफ, y की टर्म dy की तरफ। तो ये x की टर्म है, इसको जैसे कि वैसा रखता हूँ, टैन y को शिफ्ट करता हूँ और इधर से x की टर्म टैन x है, इसको शिफ्ट करता हूँ। तो ये फाइनली अपने को सिक्स स्क्वायर x और इधर से टैन x डिवाइड में आएगा और ये माइनस सिक्स स्क्वायर वाई और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टैन y dy। चलो सेपरेट हो गए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रेट, अब यहाँ देखो इसका ये इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, log mod tan x माइनस, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, log mod tan y। दोनों तरफ log दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे log c ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं ये log tan माइनस log tan y को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, ये क्या होगा, log mod tan x, ये माइनस वाली टर्म इधर जब आएगी तो प्लस हो जाएगी, log mod tan y इज इक्वल्स टू में कितना बचा, log c। अच्छा, log a प्लस log b, तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है, तो tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू log c। दोनों तरफ से log log क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कितना बचा यहाँ से, tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c। तो ये क्या मिल गया हमें, जनरल सोल्यूशन, क्या मिल गया, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। देखो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से सेम प्रोसेस करना है, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई, और ये माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट करो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना देगा, साइन एक्स साइन वाई डी एक्स। अब ये डी वाई है तो ये वाई की टर्म को जैसे वैसे रखता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में जाएगा। ये डी एक्स है तो साइन एक्स की टर्म को इधर ही रखता हूँ, साइन वाई को शिफ्ट करता हूँ, तो कॉस वाई और ये साइन वाई आएगा डिवाइड में डी वाई, ठीक है, और ये साइन एक्स और ये आ जाएगा डिवाइड में कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो होगा सेपरेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन वाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, ओहो यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना था, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना था, माइनस साइन एक्स, तो माइनस नहीं है तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब तो आ जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस, दोनों तरफ लॉग लॉग दिखाई दे रहा है तो मैं लॉग सी कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो लॉग मॉड साइन वाई प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कितना, log c, हाँ देन log a प्लस log b, log a प्लस log b कितना होता है, log a इंटू b, log a प्लस log b, तो log a इंटू b का मतलब कितना, साइन y इंटू कॉस x इज इक्वल्स टू log c। अच्छा, दोनों तरफ से log log हो जाएगा कैंसिल, ये कितना देगा, साइन y इंटू कॉस x इज इक्वल्स टू c, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ शिफ्टिंग वगैरह बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ के क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। अब कॉन्स्टेंट टर्म को फिर किस कैटेगरी में लेना चाहिए, एक्स के कैटेगरी में ले कि वाई के, कॉन्स्टेंट है वो, आप उसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब वन है, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई हो गया माइनस के, कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर,
वन बचा, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स आ गया प्लस सी, ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यही लेवल के आपके बोर्ड एग्जाम में भी होते हैं। ठीक है, टू मार्क्स के लिए, थ्री मार्क्स के लिए, वन मार्क्स के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन को ध्यान से देखो, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के एक साइड किसी भी एक को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। अच्छा, जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हाँ ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, x के टर्म को dx एक्स की तरफ, y के टर्म को dy की तरफ। तो ये x डिवाइड में शिफ्ट होने से मल्टीप्लाइड में, यानी x cos स्क्वायर x dx, और y को शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस y cos स्क्वायर y dy। ठीक है, चलो शिफ्टिंग होगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट। अब क्या करें यहाँ पर, इसके बाद हम लोग एक काम कर लेते हैं, x cos स्क्वायर x को लिखा मैंने 1 माइनस cos 2x अपॉन टू डी एक्स, माइनस वाई कॉस स्क्वायर वाई को लिखा 1 माइनस कॉस टू वाई अपॉन टू डी वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 आ गया बाहर, यानी 1 बाई टू बाहर आया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, x को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो x माइनस एक्स कॉस टू एक्स हो जाएगा, x माइनस एक्स कॉस टू एक्स हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन में, ये भी 1 बाई टू को बाहर ले लेता हूँ मैं, 1 बाई टू बाहर। तो अब क्या बचा, ये जो y बचा इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो y माइनस y कॉस टू वाई डी वाई। ठीक है, सो 1 बाई टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट लंबा जाएगा, अब ध्यान से देखना, x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, माइनस है तो अगले टाइम ब्रैकेट में। अच्छा, इन दोनों पे लगाते प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज ये देखो, ये x है और ये क्या है, कॉस टू एक्स है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। लेकिन फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने के लिए हम लोग एक रूल का यूज़ करते हैं, और वो रूल का नाम क्या है, लिएट रूल, एल आई ए टी ई। तो ये पहले अल्जेब्रिक आता है और फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। बोलो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस फिर होल इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव वन, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन टू। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का ये डी एक्स आ गया, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया और ये ब्रैकेट इधर क्लोज हुआ, इज इक्वल्स टू फिर माइनस वन बाई टू। ठीक है, फिर y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये कितना होगा, वाई स्क्वेयर बाई टू माइनस, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे भी। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज कॉस टू y का इंटीग्रेशन साइन टू y अपॉन टू, अच्छा ब्रैकेट है, ब्रैकेट देने में गलती मत करना, माइनस होल इंटीग्रेशन। फिर क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अगेन साइन टू वाई अपॉन टू डी वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया और ये ब्रैकेट इस साइड क्लोज हो गया। ठीक है, मैं इधर का थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये स्टेप के आगे बढ़ना है अपने को। सो 1 बाई टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स साइन टू एक्स बाई टू, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है साइन टू एक्स अपॉन टू का, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, यानी 1 बाई टू बाहर आएगा, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कितना, साइन टू एक्स का माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। ठीक है, चलो ये तो हो गया कंप्लीट अपना, ठीक है ना, वो पूरा सॉल्व हो गया, इज इक्वल्स टू इधर देख लो, माइनस वन बाई टू ब्रैकेट में
वाई स्क्वायर बाई टू माइनस, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई साइन टू वाई बाई टू, फिर ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन टू वाई बाई टू में से वन बाई टू आएगा बाहर, साइन टू वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू वाई अपॉन में टू, ये ब्रैकेट इधर क्लोज हो गया और फाइनली प्लस सी ले लेंगे। तो अपना इंटीग्रेशन पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इसको थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह ठीक से कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सी के जगह ना सी बाई टू लेता हूँ, सी के जगह कॉन्स्टेंट कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सी बाई टू ले लो या फिर सी बाई फोर ले लो कॉन्स्टेंट, तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सी बाई फोर लेने से देखो फायदा क्या होगा, सब में से वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू देखो कॉमन निकला, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई, नहीं 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 ये तो वन बाई फोर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या ले लेंगे, प्लस सी ले लेंगे। ओके अब आगे करते हैं, 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करो तो 1 बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस एक्स साइन टू एक्स बाय फोर, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स बाय फोर, बाय फोर और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो बाय एट इज इक्वल्स टू, हाँ ये कितना हो गया माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y साइन टू वाई बाय फोर, और ये माइनस कॉस टू वाई अपॉन एट और प्लस c, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। इसको थोड़ा और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते क्या वो देखो, अगर कुछ सिंप्लीफाई कर पाए तो अपना आंसर और अच्छा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना सबका बेस एट बना डालूँ, सबका बेस एट बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ एट बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर टू आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर बाय एट, ठीक है ना, याद रखना टू एक्स स्क्वायर बाय एट, ये कितना हो जाएगा टू एक्स साइन टू एक्स बाय एट, ये तो एट ऑलरेडी है तो सबका बेस एट बन जाएगा, इधर भी बेस एट है, एक बार लिख लिया समझा, हाँ इस साइड से इसका भी बेस 8 तो माइनस टू वाई स्क्वायर बाई एट प्लस, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई तो 2 वाई साइन 2 वाई बाई एट माइनस, ये तो ऑलरेडी 8 है तो कॉस 2 वाई बाय एट, अच्छा कांस्टेंट मैं कैसे भी ट्रीट कर सकता हूँ तो मैं इसको c बाई एट ले लेता हूँ। अब इससे क्या होगा 8 और 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 हो जाएगा कैंसिल, अब क्या बचा देखो, ठीक है ओके एक काम कर दिए, टू वाई स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दे तो वो टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस टू वाई स्क्वायर कितना देगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है अच्छा उसके बाद माइनस टू एक्स साइन टू एक्स और ये इसको उधर लेके जाता हूँ तो माइनस टू एक्स साइन टू एक्स और ये जब उधर जाएगा तो माइनस टू वाई साइन टू वाई हो गया, हाँ उधर माइनस कॉस टू एक्स, ये जब उस साइड जाएगा तो प्लस होगा तो माइनस कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू वाई इज इक्वल्स टू में कितना बचा सी, तो और क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, टू कॉमन निकाल के रख देते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से माइनस टू कॉमन निकाल के रख देते तो एक्स साइन टू एक्स प्लस वाई साइन टू वाई आ जाएगा, ठीक है इसको रहने देते, वैसे पहले मैं cos 2y की टर्म लिख रहा हूँ फिर माइनस cos 2x की टर्म लिखते हैं, इजी क्वेश्चन में कितना आ जाएगा c, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, बढ़िया था मतलब कैलकुलेशन वाइज, वैसे तो कोई बहुत भी बढ़िया भी कैलकुलेशन था, अब आप इतने कैलकुलेशन करने लायक हो चुके हो, ठीक है ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से फिर से एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत ही लंबे जाने वाले, तो ध्यान से देखो अच्छे से, कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई और इसको अगर मैं उस साइड शिफ्ट करूँ तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ये एक्स को उधर शिफ्ट किया वाई को इस साइड शिफ्ट किया तो वाई कॉस स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट वाई कॉस स्क्वायर वाई वन प्लस कॉस टू वाई अपॉन टू है डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या था वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले यूज़ किया और कुछ नहीं है। अब देखो ये यहाँ से क्या होना है, टू जब बाहर निकला तो वन बाई टू वाई, वाई से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ मैं, वाई से अगर मल्टीप्लाई किया तो वाई प्लस वाई कॉस टू वाई हो जाएगा डी वाई, और ये टू इधर बाहर निकला तो माइनस वन बाई टू, और एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स प्लस एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये देखो टू और टू तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना, टू टू हो गया कैंसिल, चलो ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos 2y dy इज इक्वल्स टू माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x आएगा यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x आ गया, ठीक है, ये समझो इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया माइनस के साथ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, y स्क्वायर बाई टू, अच्छा इन दोनों पे क्या होगा प्रोडक्ट रूल, इन दोनों पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड होगा लिएट रूल से, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, cos 2y का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 2y अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ y, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, और cos 2y का इंटीग्रेशन साइन 2y अपॉन 2 dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस, माइनस है तो अगली टर्म को ब्रैकेट में लिखो, फिर से इन दोनों पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन टू डी एक्स, ठीक है। देन वाई स्क्वेयर बाय टू प्लस वाई साइन टू वाई बाय टू माइनस वन बाय टू बाहर, ठीक है, साइन टू वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस cos 2y अपॉन 2, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, sin 2y का इंटीग्रेशन माइनस cos 2y अपॉन 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू ये माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक काम कर लेते हैं माइनस x sin 2x बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, अच्छा sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टू एक्स का माइनस हो जाएगा तो ये फिर माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू और पहले से टू है तो कितना आएगा फोर, ये हो जाएगा फिर लास्ट में प्लस सी ले लेते, ठीक है। क्या करें, एक काम करते हैं, ये तो टू इंटू टू फोर हो जाएगा ना, तो मैं इसका भी बेस फोर बनाने की कोशिश करता हूँ और इसका भी बेस फोर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि सबका बेस सेम हो जाए और एक बार लिखे, टू इंटू टू फोर हो गया तो यहाँ पे टू, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं टू वाई स्क्वेयर बाय फोर, ठीक है ना, ठीक है, प्लस इसको क्या लिखा टू वाई साइन टू वाई बाय फोर और ये कितना हो गया, ये हो गया कॉस टू वाई बाय फोर इज इक्वल्स टू, हाँ ये देख लो यहाँ पे भी बेस सेम बनाने की कोशिश करते हैं, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, लेकिन ये कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस टू एक्स साइन टू एक्स बाय फोर और माइनस कॉस टू एक्स बाय फोर प्लस सी, सी को भी सी बाय फोर लिख लेते हैं, ओके ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, मैं इधर का थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ओके okay,
तो अब देखो अब क्या होगा ना, सबके बेस सेम है, 4 4 4 बेस सेम है, एक बार लिखेंगे यहाँ पे भी बेस सेम है 4 4 4 4 एक बार लिखें तो दोनों तरफ से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा देखो, 2y² + 2y sin 2y + cos 2y = हाँ इधर से -2x² उधर से -2x sin 2x -cos 2x + c। ठीक है अब एक फाइनल स्टेप कर लेते हैं, जब ये -2x² इस साइड आएगा तो +2x² हो जाएगा, +2y² + 2x² 2 कॉमन तो क्या निकला x² + y² अच्छा वैसे -2x sin 2x को भी शिफ्ट किया फिर से प्लस हो जाएगा तो 2 कॉमन तो y sin 2y + x sin 2x फिर इसको भी इधर शिफ्ट किया तो ये cos 2y है और ये इधर आएगा तो +cos 2x हो जाएगा = में कितना बचेगा c तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपने पहले खुद से एक बार सॉल्व करना चाहिए। ठीक है फिर जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ जा रही है। ठीक है जहाँ दिक्कत जा रही है उसको फिर से एक बार देख लो। ठीक है बट खुद से सॉल्व एक बार इसको करो, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो क्या करने वाला हूँ, y³ = ये पहले इसको इधर शिफ्ट करो तो x² dy/dx + dy/dx। ठीक है फिर y³ = dy/dx कॉमन तो क्या बचा x² + 1। ठीक है फिर dx को शिफ्ट किया तो ये आएगा y³dx = x² + 1 dy। ठीक है अब ये x² + 1 कम्प्लीटली x की टर्म कहलाएगी और ये y³ है तो इसको शिफ्ट करते तो ये मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में आएगा, y³ · डिवाइड में जाएगा तो ये कितना देगा 1/x² + 1 dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/y³ dy होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन। ठीक है ना इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x और 1/y³ का तो इसको तो ऊपर लेके चले जाएंगे ऐसे ये होगा y^-3 ये हो जाएगा tan इनवर्स x = y^-3 का इंटीग्रेशन क्या होता है y^-3 का इंटीग्रेशन होगा y^-3 + 1 तो -3 + 1 - 2/-2 प्लस में आ जाएगा c तो इसको फाइनली अपन ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x −1/2y² + c तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो 2 पहले तो इसे हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा e^x e^2y dx और इसको उस साइड लेके जाते तो ये हो जाएगा 3dy। ठीक है अब इनमें से ये है y की टर्म तो इसको शिफ्ट किया मैंने तो क्या बचा 2e^x dx और जब शिफ्ट करेंगे तो 3 के डिवाइड में आएगा e^2y dy। ठीक है दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 2e^x और ये आएगा 3 इसको लेके गया ऊपर तो e^-2y dy। ठीक है 2 कांस्टेंट बाहर e^x का इंटीग्रेशन e^x 3 कांस्टेंट बाहर e^-2y का इंटीग्रेशन e^-2y का e^-2y / −2 प्लस में आ जाएगा c तो आप इसको क्या कर सकते हो आप इसको इतना रख सकते हो या फिर एक काम ये कर लो कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है तो कितना हो जाएगा ये −4 ये देखो −2 को उधर शिफ्ट किया तो −4e^x = 3e^-2y प्लस में आ जाएगा c। ठीक है इसको इस साइड लेके जाते तो 4e^x + 3 इसको नीचे लिखा +c = 0 तो इस फॉर्मेट में अपने को आंसर लिखना है।
ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे तो माइनस टू नहीं था, तो मैंने क्या किया ना, मैंने ये तो इमेजिन कर लिया कि इसको माइनस टू ले लिया। अब क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा माइनस टू को शिफ्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टेंट मैं कुछ भी कंसिडर कर सकता हूँ, मैं अपने सोच के हिसाब से कर जो मुझे कम्फर्टेबल है उस हिसाब से मैं कॉन्स्टेंट को लेना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे माइनस टू दिखा तो मैंने यहाँ पे भी माइनस टू ऑलरेडी दिमाग में सोच लिया था, मैंने आपको करके भी दिखा दिया। माइनस टू बेस से मैं एक बार लिखा, माइनस टू को शिफ्ट किया, माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टेन में क्या करना चाहिए हम लोगों ने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको पहले सेपरेट आउट करता हूँ, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से देखो ई टू द पावर वाई निकला कॉमन, ई टू द पावर वाई कॉमन, तो क्या बचा, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये जो डिवाइड में डी एक्स इसको शिफ्ट किया, तो डी वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली एक्स की टर्म कहलाएगी, तो इसको जैसा का वैसे ही रखूँगा, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, सो डी वाई अपॉन में कितना आएगा, ई टू द पावर वाई आ जाएगा, और इधर से क्या बचा, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। हाँ ई टू द पावर वाई, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वन अपॉन ई टू द पावर वाई को ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई लिखा, और इंटीग्रेशन में ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा। हाँ चलो बोलो, ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन में माइनस वन आएगा, अब अपॉन में माइनस वन लिखो या यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं करेगा, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। इसको ऐसा लिख दो या इसको उस साइड शिफ्ट करो, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, जीरो। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप तो अपने ये कि किस तरीके से लिखना चाहिए या ऐसा ही लिखना चाहिए ये ज़रूर नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टॉप हो सकते हैं, बट यहाँ तक तो भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ तक करेक्ट है तो फिर तो क्या मैथमेटिक्स के दो तीन ही स्टेप करना होता है ना, शिफ्टिंग वगैरह, वो तो अपने को आता ही है, तो शिफ्ट कर देना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना, ओके ठीक है। तो ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ना कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किए थे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, और कल तक मुझे उसके सॉल्यूशन फॉरवर्ड करना है, ठीक है। मुझे सभी के सॉल्यूशन कल तक मिल जाने चाहिए, ठीक है ना, एनी हाउ, ठीक है। तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।